दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिना एटीएम कार्ड के आप फोन पे कैसे चला सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के भी आप चला सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड से आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट को आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप भी यूज कर सकते हैं फोन पे को तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट सबसे पहले दोस्तों आप वहाँ पे फोन पे आपको लेटेस्ट वर्जन में आपको सबसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा पूरा लेटेस्ट वर्जन है आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप वहाँ पे सिंपली आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा चलिए अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जो भी आपको लिंक है बै अकाउंट में उसमें आपको डालना होगा दोस्तों चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं जो भी यहाँ पर लिंक रहेगा वही डालिएगा नहीं तो आपको आधार कार्ड में भी लिंक रहना चाहिए उसमें आप तभी आपको होगा दोस्तों जो जो कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अकाउंट दोनों में रहना चाहिए तभी होगा दोस्तों उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा चलिए प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद आपको ओ आएगा पाँच डिजिट आपका पाँच डिजिट का ओ टी पी आएगा वहाँ पे ऑटो रेडी कर लेगा आप वहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ओ टी पी आ चुका है वहाँ पे अलाउ कर देना होगा लोकेशन का उसके बाद आप सिंपली आपको वहाँ पे अलाउ करने बाद ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा अलाउ करने के लिए चलिए क्लिक कर लें तो उसका अलाउ भी कर देना है यहाँ परमिशन सभी उसके बाद आपको ऐसा इंटर फस आएगा आने के बाद सिंपली आपको वहाँ पर अलाउ कर देना होगा कॉन्टेक्ट्स का ऊपर वाले आप वहाँ पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको जो भी बैंक अकाउंट है तो आपको वहाँ पे लिंक करना है तो आपको उस पर यहाँ पर सर्च कर लेना होगा जो भी एस बी आई पी एन बी जो भी है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं आपको टाइप करके यहाँ पे सर्च बाय बैंक नेम आप वहाँ पे बैंक नेम से सर्च कर सकते हैं दोस्तों चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जो भी आपको पास है बैंक अकाउंट वहाँ पे पे एस बी आई या जो भी है तो आपको लिख देना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं आ चुका है इसी पे क्लिक कर देना होगा चलिए क्लिक कर लेते हैं दोस्तों Okay. आप वहाँ पे थोड़ा सा आप लिंक हो जाएगा दोस्तों फंडिंग अकाउंट लिंकड भी थोड़ा वहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा आपको लोडिंग ले रहा है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका लिंक है लिंकेड है अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा ऊपर में आप वहाँ पे आप वहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा सभी आप यहाँ से हो जाएगा अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है आपको यहाँ पे पिन बनाना होता है तो पिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना होगा आपको रिसेट पिन लिखा है तो आपको वहाँ पे रिसेट पिन पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों आपको आप शुरू बार आपको बनाना है तो आपको रिसेट पिन पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक क्लिक कर लेते हैं सिंपली आपको वहाँ आप पे आधार नंबर से आप कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार नंबर से आपको करना आधार नंबर लिंकड विद बैंक अकाउंट रहना चाहिए तभी आप आधार नंबर से कर सकते हैं आप उसी पे चूज करना अगर एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड पे चूज कर देते हैं अगर आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड पर ही रहने देना हो उसके बाद सिंपली आपको वहाँ पर पे क्लिक करना होगा चाहे पे क्लिक कर लेते हैं आपको देख रहे हैं प्लीजेट आपको हो रहा है आपको यहाँ पे छः डिजिट आपको आधार नंबर डालना होगा इंटर द फर्स्ट आपको वहाँ पर आधार नंबर का छः डिजिट शुरू वाला आपको डालना होगा जो जो भी आपका आधार नंबर उसके बाद आपको पे प्रोसीड कर देना होगा चलिए प्रोसीड कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद आपको अलाउ कर देना होगा मैसेज को देख सकते हैं दोस्तों ओ आ गया दोस्तों आधार नंबर वाले जो लिंक है उसमें आपको आएगा दोस्तों देखते हैं ओ टी पी हो चुका है आपको अगर नहीं होता तो आपको डालना होगा उसके बाद टिक लगा देना होगा टिक लगाने का आपको बैंक ओ टी पी आएगा तो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा आ जाएगा तो देख सकते हैं आ चुका है दोस्तों अगर नहीं लेता तो आप वहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं जो भी आया है तो आप से डाल सकते हैं दोस्तों चलिए यहाँ डाल लेते हैं जो भी यहाँ पे डालेंगे सिंपली आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको टिक लगा देना और फिर से आप वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या करना होगा डिजिट यू पिन आपको सेट करना हो जो भी रखना चाहते हैं सिक्स अंक का छः अंक का आप वहाँ पे फिर से आपको कंफर्म करने के लिए जो भी डाले हैं उसी का आपको डालना होगा फिर से यहाँ दोस्तों चलिए यहाँ डाल लेते हैं दोस्तों तो सिंपली आप टिक लगा देना होगा टिक लगाने सिंपली सिम्पली आप ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों आपको वहाँ पे वेट करना देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है आपको वहाँ पे देख सकते हैं यू पी पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है अब आप पर सेंड फ्रेंड भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है बैंक अकाउंट फोन पे में हो चुका है तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आप किसी के पास आपको भेज के आपको देखना होगा सेट हुआ कि आपको सेंड टू ए फ्रेंड आपको क्लिक करना होगा उस पे चलिए किसके पा, पास आप जिसके पास आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं से कर सकते हैं दोस्तों चलिए आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पे जाना होगा आपको आप हाँ पे टू मोबाइल नंबर आपको जो भी है फ़ोन पे बना उसको आपको सेंड करना होगा दोस्तों चलिए सेंड कर लेते हैं दोस्तों आप मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं स्कैन कर सकते हैं आपको जो भी तरीका आप कर सकते हैं आप कहाँ पे तो आप मोबाइल नंबर से चलिए करके आपको बताते हैं दोस्तों जो भी आपके पास जो फ्रेंड्स और दोस्त के किसी का मोबाइल नंबर है तो आपको मोबाइल नंबर डालना होगा चलिए यहाँ से डाल लेते हैं मोबाइल नंबर उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना होगा सिंपली आपको वहाँ पर प्रोसीड कर देना होगा दोस्तों टैप टू सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक रुपया अमाउंट आपको डालना होगा जो भी जितना डालना चाहते हैं यहाँ से एक रुपया आपको सबसे पहले आपको पे करना होगा पे पे क्लिक करना होगा चलिए क्लिक कर लेते हैं सिंपली आपको वहाँ पे अपना पिन डाल देना होगा डिजिटी पी पिन जो सेट किए हैं उसी का आपको डालना होगा दोस्तों चलिए डाल लेते हैं डालने का सिंपली आप वहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर कर देते हैं डन हो चुका है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसी का हो गया दोस्तों दो कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों और हमारे चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों